नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा वो राज्य है जहां युवाओं में खेलों के प्रति बहुत ज्यादा क्रेज रहता है और यहां के युवाओं में खेलों के प्रति क्रेज ऐसा है कि यहां के युवा हरियाणा का नाम ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि ना सिर्फ देश में, यहां तक कि पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम खेल जगत में रोशन कर चुके हैं। और हरियाणा के युवाओं का खेलों के प्रति क्रेज ऐसा है कि यहाँ पर युवा जो है वो अपना भविष्य भी खेलों में ही देखते हैं। ऐसा ही एक गांव आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर बच्चे के पैदा होते ही उसके नाना नानी उसके हाथों में बास्केटबॉल थमा देते हैं। हम बात कर रहे हैं पानीपत से 28 किलोमीटर दूर स्थित अहर गांव की। यहां लोगों को बास्केटबॉल का जुनून इस कदर सवार है कि यहां बच्चा पैदा होते ही बच्चे के हाथों में बास्केटबॉल थमा दी जाती है। इस गांव के ज़्यादातर युवा बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं और इसी की बदौलत सरकारी नौकरियां भी हासिल करते हैं। अभी हमारा जो जानपुरा है, अभी जो बच्चा पैदा होता है उसके पीढ़ी में बास्केटबॉल आती है हमारे गाँव के अंदर। बचपन से ही बच्चे बास्केटबॉल में ज्यादा रुझान है। इस गांव में बास्केटबॉल का जुनून लोगों पर इस कदर सवार है कि गांव में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की भरमार है। बताया जा रहा है कि जब गांव में इक्का दुक्का खिलाड़ी हुआ करते थे तो उन खिलाड़ियों ने गांव का नाम देश और विदेश में रोशन किया, जिसके बाद गांव में बच्चा पैदा होने के साथ ही नाना नानी बच्चों को बास्केटबॉल देने लगे और इसी के साथ गांव में हर बच्चा पैदा होने के साथ ही बास्केटबॉल देने का रिवाज भी बन गया। बता दें कि इस गांव में लगभग 6 बास्केटबॉल के ग्राउंड हैं और ट्रेनिंग देने के लिए 3 कोच। इस गाँव का रहने वाला साहिल भारतीय बास्केटबॉल टीम का कप्तान भी रह चुका है। साहिल का कहना है कि गाँव में बास्केटबॉल का बहुत क्रेज है और यहाँ पर लड़का हो या लड़की हर कोई बास्केटबॉल खेलता है। गांव के कई खिलाड़ी भारतीय टीम में भी रहे हैं। ग्रामीणों में भी खेल का जुनून इस कदर सवार है कि शाम होते ही जब प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे ग्राउंड में पहुंचते हैं तो बड़े और बूढ़े वहां पहुंच जाते हैं। नेशनल खेला हूं मैं, पहली नेशनल हिमाचल खेलने गया था और दूसरी ओडिशा और तीसरी आगरा। कैसे रुझान बना इस सर? इसमें हमारे गाँव के बहुत सारे सीनियर बड़े लेवल पर खेले हैं तो उन्हें देख देख हम सीख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। मैं 2012 में शुरू किया था सर मैंने, जिसकी वजह मैं 14-15 नेशनल खेल लिया हुआ हूँ और जिसके मैं मेरे पास नेशनल मेडल भी हैं, 5 नेशनल मेडल भी हैं और ऐसा भी मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। ये मेरा दोस्त सौरभ, ये भी भारतीय सेना में कार्यरत। दोनों एक ही गाँव के हो? हाँ सर, दोनों एक ही गाँव के हैं। लगभग कितने युवा आपके यहाँ अभी डिफेंस के अंदर? अभी सर जो मेरे बैच के हैं, दीपक, सचिन, दीपू, प्रदीप, मीतू, प्रवीण, विकास, सारे इस टाइम पे, मतलब जो मेरा टोटली बैच था सारा भी भारतीय सेना में कार्यरत है। कितने लोगों का बैच था हमारा सर? 12 लोगों का ही था, तो पूरे भारतीय सेना में कार्यरत।